देवभूमि उत्तराखंड, माँ गंगा यमुना का उद्गम जिला उत्तरकाशी में हूँ और सबसे बड़ी बात मुख्यालय के पास मैं खड़ा हूँ। और ये बहुत ही प्रसिद्ध घाट है, मणिकर्णिका का स्नान घाट है, जहाँ पर कई देव डोलियाँ पहुँचती हैं जब गंगा दशहरा हो या कोई पर्व त्यौहार के दिन। और सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आ रहा, मेरे दाईं तरफ एक ब्रिज है, करोड़ों रुपये का ब्रिज बनाया गया है। और आजकल माँ गंगा का जल थोड़ा कम हो रखा है, जिसके चलते मुझे जंजीर सामने नज़र आ रही है। और ये देखिए, शाम सुबह यहाँ पर गंगा आरती होती है। गंगा आरती हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर के गंगोत्री धाम तक और इस मुख्यालय में भी होती है, इस घाट पर भी होती है। और यदि मुख्यालय की बात करूँ तो केदार घाट में भी होती है और मणिकर्णिका घाट में भी, मानो कंपटीशन बना रहता है आरती करने का। भक्त भी खूब खड़े होते हैं शाम सुबह। और प्रशासन की बात करूँ या भक्तों की बात करूँ, कई माताएं भी यहाँ पर स्नान करने आती, गंगा पूजा करती। दीपक भी मुझे नज़र आ रही है, देखिए। और सबसे बड़ी बात, चेन मुझे नज़र आ रही है। आजकल गंगा का जल कम हो रखा है, उसके चलते हुए देखो, मतलब कचड़ा, साड़ी के टुकड़े और कई कचड़ा मुझे नज़र आ रहा है चेन पर, यानी कई क्विंटल सा कचड़ा मुझे नज़र आ रहा है। देखिए आप सामने की तरफ, ये देखिए आप। और शायद न तो प्रशासन को और न ही भक्तों को, न पुजारियों को शायद सूझ रहा है कि प्रशासन को याद दिलाया जाए, या भक्त भी शायद आसानी इसको साफ कर सकते हैं यदि चाहें तो। न तो कोई भक्त मुझे इस टाइप का नज़र आ रहा, क्या पूजा मात्र जो गंगा आरती करने पहुंचते हैं या आरती करते हैं, चाहे कथा वक्ता हों या पूजा करने वाले, ये सब दिखावा कहा जाए, ये वास्तविक ही गंगा के प्रति श्रद्धा है। तो यदि श्रद्धा है तो एटलीस्ट इसको सफाई होनी चाहिए, क्योंकि ये दिखाई दे रहा मुझे कचरा जमा हुआ। शायद प्रशासन भी मानो सोया हुआ नज़र आता है, नगर पालिका है यहाँ पर, सभासद भी हैं, तमाम मुद्दे उछलते रहते हैं। आजकल सैनिक दीपावली मेला भी चल रहा है, कुछ दिनों पहले रामलीला भी हुई थी। खूब बढ़ चढ़ लोग मंचों से भाषण देते हैं, दावा पेश करते हैं और कहते हैं हम पवित्र धाम गंगोत्री धाम से लेके यमुनोत्री धाम की कहानी और धार्मिक, और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। और जब हम कभी पर दौरा पर जाते हैं, कई जगह पर देवताओं में बलि भी कई हमें कटती हुई नज़र आती है, तो क्या बोला जाए, समाज कब होगा परिवर्तन, समाज में जो आस्तिक धरातल पे काम करेगा, इन देवताओं के मंदिरों में खून खराबा बलि रोकने का काम करेगा, साथ ही साथ वास्तविक के जो कचरा मुझे नज़र आ रहा माँ गंगा में, इसको सफाई करने का प्रयास करेगा। दाईं तरफ तामा खाणी का कचरा अभी भी नदी में बहता हुआ जा रहा, नमामि गंगे। और सरकार की लगातार प्रयास, बीजेपी फिर दावा ठोकती है कि हम दोबारा आएंगे लौट करके। घाट तो बनाया है निस्संदेह ही, बहुत खूबसूरत घाट, लेकिन घाटों में सफाई नज़र नहीं आती। यहीं पर नज़दीक एक टॉयलेट भी बनाया गया, जहाँ पर बहुत गंदगी नज़र आती है और साफ गंगा में मुझे नज़र आई, तो आएगा कोई जिसमें ध्यान देगा। देखिए आज माँ गंगा के उद्गम जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट से मेरी सीधी कवरेज। जय गंगा माँ, जय हिंद, जय भारत।